दोस्तों, दस्त की समस्या जो है कभी भी किसी को भी हो सकती है। दस्त की वजह से इंसान का स्वास्थ्य जो है कमज़ोर होने लगता है, और अगर समय पर दस्त को ना रोका जाए तो नौबत यहाँ तक की आ जाती है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। तो दोस्तों, कुछ घरेलू उपाय को करके भी हम दस्त को आसानी से रोक सकते हैं। वही दस्त को रोकने का आज हम आपको घरेलू नुस्खा बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको दस्त रोकने के लिए अपने किचन से लेना होगा धनिया, यानी कि साबुत धनिया जो आपके रसोई में आसानी से मिल जाएगा। इसको आपको लेना है, और साथ ही आपको लेना है एक गिलास। एक गिलास में हम एक गिलास पानी लेंगे, सादा नॉर्मल। एक गिलास पानी लेने के बाद में आपको जो हमने साबुत धनिया लिया है वो आपको साबुत धनिया लेना है एक चम्मच। हमने एक गिलास पानी लिया है तो एक चम्मच हम धनिया डालेंगे इसमें, और इस पानी को आपको किसी भी बड़े बर्तन में डालकर गैस पर रख के इसको पकाना है। 5 से 10 मिनट पका करके आप इसको ठंडा करके फिर छान लीजिए। ठंडा जब हो जाए छना हुआ पानी धनिए का, तो इसको आप दिन भर में 2 से 3 बार पिए थोड़ा थोड़ा। आप देखेंगे कि आपके दस्त रुक जाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है, इससे आपके दस्त रुक जाएंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूर करें और मेरे साथ इसके फ़ायदे शेयर करें।